Good morning students, welcome to MCPS online classes. In last video we learned how to multiply monomial and monomial. इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज 9.4 जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको करना है बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे अपन डबल डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल और सिंगल डबल डबल, तो इसमें आपको क्या करना है बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना है. ये एक्सरसाइज आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. नेक्स्ट जो आइडेंटिटी टॉपिक है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, यानी बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस के 3. ये है आपका क्वेश्चन. क्या है कि देखिए यहां पर भी टू टर्म्स है, यहां पर भी टू टर्म्स है, बाइनोमियल है. तो देखिए जैसे अपन किसी भी नंबर, फॉर एग्जांपल 25, 65, है ना, डबल डिजिट हो गई, जैसे अपन इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 5 को दोनों से करेंगे, है ना, फिर अपन 6 को दोनों से करेंगे, ऐसे ही करते ना मल्टीप्लाई. तो इसीलिए यहाँ पे 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करने करेंगे. जैसे अपन नंबर का करते हैं ना दोनों से, इसी वे में इसका भी करेंगे. चलिए देखिए कैसे लिखेंगे अपन, 2x मल्टीप्लाई 4x माइनस के 3, यही लिखेंगे क्योंकि दोनों से होगा ये मल्टीप्लाई. ठीक है, अब देखिए आप प्लस का साइन है तो प्लस 5 मल्टीप्लाई 4x माइनस के 3. ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया. क्या हो गया कि जो 2x है वो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है और 5 भी दोनों से मल्टीप्लाई होने पूरा ब्रैकेट लिए, यानी फर्स्ट डिजिट देन सेकंड पूरा ब्रैकेट, सेकंड डिजिट देन सेकंड पूरा ब्रैकेट. अब देखिए ये वन टर्म और ये बाइनोमियल, यानी ये 2x जो है ना ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा. फिर ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा. तो देखिए कैसे लिखेंगे अपन, 2x मल्टीप्लाई 4x, ठीक है ना, फिर साइन किसका है माइनस का, 2x मल्टीप्लाई 3, ऐसे लिखेंगे दोनों हो गए, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, अब देखिए 2 4 8, x की 1 x की 2, यही काम है ना, मैंने पावर क्या जाएगी कर जाएगी. फिर देखिए माइनस 3 2 6 x, ठीक है, फिर प्लस 5 4 20 और x. अब ये x क्यों आ रहा है क्योंकि इसके साथ कोई भी x नहीं है, है ना, और इसके साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, x माइनस 3 5 15. अब देखिए स्क्वायर में कभी भी x ऐड नहीं होता क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, वही हमेशा ऐड होगा और वही हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा. तो देखिए यहाँ पे जो है 8x² ये ऐड नहीं होगा. अब देखिए ये भी x है, ये भी x, तो 20 में से 6 चले गए, यानी प्लस के 14x माइनस के 15, ये आपका आंसर होगा. वापस समझ लीजिए, बाइनोमियल थे तो कैसे करेंगे अपन बाइनोमियल टू बाइनोमियल, पहले 2x के साथ पूरा ब्रैकेट लिखेंगे फिर 5 के साथ पूरा ब्रैकेट. अब ये हो गया मोनोमियल टू बाइनोमियल, ठीक है, यानी ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है, दोनों से होगा. फिर ये अपन ने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, साइन आप वही रिप्लेस करेंगे जो आपको गिवन है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स और एक्स मिलकर एक्स 2 हो जाएगा क्योंकि सेम पावर, पावर प्लस जाएगी, ठीक है, सेम बेस, ये हो गया, ये हो गया, देन वी डी 5. अब देखिए ये एक्स और एक्स ये सेम, ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में एड होती है, लाइक टर्म में सब्ट्रैक्ट होती है विद सेम पावर, ठीक है. तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, वो नहीं होगा, आप इसमें से 20 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका आएगा प्लस का, तो ये 20 प्लस की डिजिट बड़ी है, 20 में से 6 चले गए 14 और ये माइनस के 15, ठीक है. तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरह का एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं ताकि आपको
और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। देखिए क्वेश्चन है आपका, ए प्लस थ्री बी, ठीक है, और एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ये सब में देखिए नंबर अलग अलग है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, ठीक है, यहाँ एक्स दे रखा है। तो अगर यहाँ x है तो ये सारा मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे लिखा जाएगा, कुछ भी एड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप लिख देते हैं a x प्लस फाइव, ठीक है ना, प्लस के 3b और x प्लस फाइव, ऐसे लिखते हैं ना। यानी कि कैसे लिखा अपन ने, फर्स्ट अपन ने नंबर लिया पूरा ब्रैकेट, सेकंड और पूरा ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में a इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे a इंटू एक्स प्लस a इंटू फाइव, ठीक है, प्लस 3b मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3b मल्टीप्लाई फाइव, मल्टीप्लाई कर दीजिए a x, a को 5 से करेंगे, 5a प्लस 3bx प्लस 3 by 15b। अब देखिए यहाँ कोई भी डिजिट ना ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि सब में जो है वो वेरिएबल्स अलग अलग है, इसलिए ना तो ऐड होगी ना मे बी। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, अगर यहाँ ए होता है, एक्स होता है, ए होता है, तो ये भी ए हो जाएगा और यहाँ पर भी ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में जो है वो एक्स ही लिखा हुआ है, इसलिए अपन ने एक्स की तक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट कैसे करेंगे। देखिए सब में आपको मल्टीप्लाई ही करना है, लास्ट एक्सरसाइज है आपके चैप्टर की। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट है आपका 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x और 3 प्लस x, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखिए सेम वे में करेंगे अपन, 5 3 प्लस x है ना, माइनस की 2x और 3 प्लस x, यही क्या था, फर्स्ट टर्म देन सेकंड पूरा ब्रैकेट, सेकंड टर्म देन नेक्स्ट पूरा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई की डिजिट। फिर -2x मल्टीप्लाई 3 -2x मल्टीप्लाई x, फिर ये मल्टीप्लाई करते, ठीक है। साइन क्या लगाया हमने, माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस का साइन लगा, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 5x है ना, माइनस 3 2 6x माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 है ना, ठीक है। चलिए 15, 6 में से 5 चले गए, माइनस का एक्स माइनस का 2x स्क्वायर। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्क्वायर की डिजिट को आगे लिखते हैं, फिर ये और जो कौन सा मेथड है वो सबसे लास्ट मेथड, माइनस की 2x स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 15, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपको वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए कुछ साथ साथ में नंबर्स भी चलेंगे और आपकी डिजिट भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सा आपको मल्टीप्लाई करना है और डिजिट तो प्लस में साथ में वो चलती रहेगी। क्वेश्चन है x² - 5, थर्ड का फर्स्ट, x² - 5 देन x+5, x+5 और प्लस के 25, ये क्वेश्चन है। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें और इसमें होगा, ये जो प्लस के 25 है ये एज इट इज साथ में चलते रहेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट ना, x² - 5 - 5 - 5 और प्लस 25, वही क्या अपन ने जो तक करते आए हैं अपन, फर्स्ट देन ब्रैकेट सेकंड देन ब्रैकेट। अब इनको आपस में अपन मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x
स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव, ठीक है, एक्स इससे भी हो गया, एक्स इससे भी हो गया, फिर माइनस फाइव मल्टीप्लाई एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी फाइव एज इट इज चलेंगे साथ में, ठीक है, एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फाइव एक्स माइनस फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव और प्लस की ट्वेंटी फाइव, ठीक है, अब प्लस की ट्वेंटी फाइव माइनस की ट्वेंटी फाइव कैंसिल जाएंगे, या आप कह सकते हैं ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया, एक्स थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स, दिस इज योर आंसर, समझ में आ गई आपको, यानी कि जो क्यूब है थ्री हो गया या फाइव एक्स है माइनस, अब माइनस के ट्वेंटी फाइव प्लस के ट्वेंटी फाइव, आप या तो इनको कट सकते हैं क्योंकि माइनस प्लस हमेशा कैंसिल होते हैं, और अगर आप कट नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि जब आप वीडियोस देखें तो आप इसको अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, देखिए ए प्लस बी सी माइनस डी, ठीक है, फिर आपको दे रखा है प्लस का साइन ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी और सी प्लस डी, सी प्लस डी, ठीक है, और प्लस आपको दे रखा है टू ए सी प्लस बी डी, दिस इज अ क्वेश्चन ए प्लस बी सी माइनस डी, ए माइनस बी सी प्लस डी और प्लस टू, ये क्वेश्चन है आपका, तो आप क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी ए को सी से ए को डी से, फिर बी को सी से और बी को डी, इस तरह से आप सभी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में आपका आंसर देखेंगे, देखिए ए सी माइनस डी प्लस का बी और सी माइनस डी, ठीक है, प्लस का ए सी प्लस डी और माइनस का बी सी प्लस डी और 2ac प्लस 2 को b से करेंगे 2b, ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, कैसे 2 को ac से क्या 2ac और 2 को bd से क्या 2bd, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, देखिए ac को कर a को c से करेंगे ac माइनस a को d से करेंगे ab प्लस b को c से करेंगे bc माइनस b को d से करेंगे bd प्लस ए को सी से करेंगे ए सी और ए को डी से करेंगे ए डी माइनस बी को सी से करेंगे बी सी और बी को डी से करेंगे बी सी प्लस टू ए सी प्लस टू बी डी साथ में चलेगा, ठीक है, अब देखिए सेम वेरिएबल्स को अपन पास में ले आते हैं, है ना, ये ए सी प्लस का है और ये भी ए सी प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का ए डी है और ये प्लस का एडी है, ठीक है, ये प्लस का बीसी है, ये माइनस का बीसी है, आ गए सारे, देखो एसी प्लस का है और ये प्लस का, ये माइनस का एडी, ये प्लस का एडी, ठीक है, फिर आ गया बीसी, बीसी प्लस का है और BC माइनस का है, ठीक है, फिर माइनस का BD है और माइनस का BD है, ठीक है, फिर प्लस के 2AC और प्लस के 2BD, अब देखिए कुछ डिजिट हमें कैंसिल जाएगी, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं, वन और वन 2AC, ठीक है, माइनस की BD और माइनस की माइनस के टू बी डी प्लस के टू ए सी और प्लस के टू बी डी,
ये देखिए ये माइनस की टू बी डी, ये प्लस की टू बी डी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा है, टू ए सी प्लस टू ए सी यानी फोर ए सी। क्या आएगा आपका आंसर, फोर ए सी। क्या आ जाएगा, फोर ए सी, ठीक है। वापिस से देख लीजिए क्या क्या अपन ने पहले फर्स्ट डिजिट सेकंड ब्रेकर को पूरे को क्या लिखा, अपन ने मल्टीप्लाई में लिखा। मल्टीप्लाई में लिखने के बाद वहां मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सिंगल नंबर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों से दोनों सबको आपस में मल्टीप्लाई किया। फिर मैं क्या, मैंने क्या किया, लाइक टर्म को पास में लिया गया, ठीक है, सेम वेरिएबल्स को पास में लिया। प्लस माइनस के साइन सारे कट हो गए, बचा है आपके पास ये, अब ये माइनस की टू बी डी और ये प्लस का टू बी डी फिर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, टू ए सी प्लस टू ए सी यानी फोर ए सी। क्वेश्चन को देख के आपको नहीं डरना, कितना बड़ा क्वेश्चन है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको सीधा सा मेथड यूज में लेना है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे विद थ्री टर्म्स, है ना। अभी तक आपने क्या किया, टू टू टर्म्स का किया है, अब आप करेंगे थ्री टर्म्स का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी प्लस सी। क्या क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ जो ए है वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी भी तीनों से होगा, फिर सी भी तीनों से होगा। कैसे लिखिए, ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी, प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। मल्टीप्लाई होंगे आपस के सारे, ए को ए से करेंगे आप ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से करेंगे ए बी, ए को सी से करेंगे माइनस का ए सी। देखिए बी ए से होगा, इससे होगा, इससे भी होगा, सेम प्रोसेस इससे होगा, बी से होगा, सी सॉरी यानी तीनों से मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर b को a से करेंगे ए बी या बी ए, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस ए को c से करेंगे ए सी, प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म को पास में ले आए, तो कैसे ले आएंगे लाइक टर्म को पास में, देखिए पहले आप इनको लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर, दिस वन, ठीक है, दिस वन। और अब हो जाएगा ए बी प्लस ए बी माइनस का ए सी प्लस का ए सी और माइनस का बी सी। देखिए ए स्क्वायर लिया है, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने लिखा है ए बी देन ए सी देन ए बी देन ए सी और बी सी और प्लस का बी सी, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे कैंसिल और ये बन जाएगा आपका टू ए बी, है ना, ए बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी जो डिजिट कट हो रही है उसको आप इजीली कट कर देंगे और जो बचा है सेम जो वेरिएबल्स है वो पास में ले आएंगे, जो डिजिट आपके कट हो रही है उसको आप कट कर देंगे और जो डिजिट कट नहीं हो रही है उसको आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।